देख लीजिए इस वीडियो को। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बलिया जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। मंगल पांडे की धरती है, विद्रोह तो गर्म शीशे की तरह नस नस में भरा रहता है। वीडियो में बंदूक लेकर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनका नाम है अमरेंद्र बाबू। नाम भले ही अमरेंद्र बाबू है, लेकिन भाई साहब खुद को अमरेंद्र बाहुबली से कम नहीं समझते। एक तो बिजली का बकाया बिल नहीं भरते, और ऊपर से जब कार्रवाई होती है तो बाबू मुशाए बंदूकबाज हो जाते हैं। दूसरे की छोड़िए, साक्षात जेई को कॉलर पकड़ के ब्रह्मांड घुमाने लगते हैं, वो भी एक नलिया हाथ में ले। तो हुआ ये कि यूपी बिजली विभाग ने बकाया वसूलने के लिए कार्रवाई करने की ठानी। बार बार नोटिस देने के बाद भी आरोपी अमरेंद्र बाबू ने बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया। कनेक्शन काटने की जिम्मेदारी जेई तारकेश्वर यादव को सौंपा गया। तारकेश्वर यादव लाइनमैन के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की जानकारी अमरेंद्र को दी। आरोप है कि अमरेंद्र ने पहले मामले को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही लाइनमैन पोल पर चढ़कर कनेक्शन काटने लगा, अमरेंद्र बाबू अमरेंद्र बाहुबली बन गए और तान दी बंदूक लाइनमैन के ऊपर और कहा कि आज गोली मार ही दूंगा। घटना को देखते ही जेई तारकेश्वर यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी तरह हिम्मत करके साहब आरोपी को समझाने पहुंचे, लेकिन उल्टे साहब ने ही उन्हें समझा दिया और लगे प्रताड़ित करने। वो तो गनीमत रही कि बंदूक से गोली नहीं चली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, उसमें क्या है वीडियो और किस तरह के आपके साथ अभद्रता की गई है, अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं जी तारकेश्वर यादव, जय नगरा। कल मैं विभाग का जैसा निर्देश है ऊपर प्रबंधन का, उसी के अनुपालन में राजस्व वसूली और चोरी रोको जो अभियान है उसके तहत मैं चेकिंग रूटीन चेकिंग में गया नगरा टाउन में। तो एक अंकुर वर्मा के नाम से कनेक्शन है जिस पे 20,208 रुपये बकाया था। उनको पहले भी लालमैन के और अपने खुद मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि आपका बकाया जमा कर दीजिए। वो आजकल कर रहे थे, कल भी गया मैं, मैंने बकाया जमा करने के लिए उनको कहा, समझाया भी, बिल के बारे में पूछे तो बताया। इसके बाद वो कहे कि मैं जमा नहीं कर पाऊँगा। मैंने समस्याएँ बताई कि बड़ा प्रेशर है प्रबंधन का कि जमा कराना है, नहीं तो लाइन विच्छेदित की जाएगी बकाए में। 10,000 से ऊपर की लाइनें विच्छेदित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, लाइन आप काट के रिपोर्ट अपने दे दीजिए। जैसे ही लाइनमैन चढ़ा पोल पे लाइन काटने के लिए, वो अपना लाइसेंसी शस्त्र था क्या था अपना शस्त्र लेके आए बंदूक, और इसको निशाना बना करके गाली देने लगे कि उतर जाओ नहीं तो मार देंगे। अब पूरा स्टिकर चढ़ा दिए। मैं दौड़ के गया उनके पास बचाव में, क्या चलाने दें, मैं उनको समझा कि क्या कर रहे हैं। उसी दौरान वो हमसे भी हाथापाई करने लगे, गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट सब करने लगे। तो क्या उनकी लाइन कट कर दी गई? हाँ, लाइन तो कट दी गई थी। जब तक पहुँचे थे तब तक केबल काट दी गई थी, पोल से डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। अब उसको प्रेशर बना रहे थे कि जोड़ दी जाए और उस पर से उतर आ जाए। लाइनमैन तो अब उस पर डर गया, इसी तरह उतर गया, लेकिन उन्होंने काफ़ी दहशत का माहौल पैदा किया वहाँ पर। क्या किस चीज़ के कारोबारी हैं वो? उनका वहाँ पे सोने का कारोबार है, सोने की दुकान है आभूषण का। हालांकि इस मामले की जानकारी जैसे प्रशासन को लगी, प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। मामले पर FIR भी हो गया है और अमरेंद्र बाबू का आर्म्स लाइसेंस कैंसिल करने की तैयारी चल रही है। जनपद में बिजली विभाग के द्वारा जो है अपना डिस्कनेक्शन एवं वसूली अभियान चलाया जा रहा था, उसके क्रम में एक व्यक्ति द्वारा जो अपना शस्त्र लहरा करके जेई को, जो संबंधित जेई है, उसको धमकाया गया। तो इस क्रम में संबंधित थाने पे FIR भी दर्ज करा ली गई है और शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो गतिमान है। उसमें एक बार जांच कर ली जाएगी और जितने भी उसके शस्त्र होंगे सारे निरस्त करने की कार्रवाई कर जाएगी। ये थाना नगरा का मामला। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।